सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है, जिसके बाद चर्चा चलने लगी है कि किसी भी वक्त अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर मेरठ में बड़ा बदलाव किया। अब अखिलेश यादव ने विधायक अतुल प्रधान का टिकट काट दिया और उनके स्थान पर एक महिला को मेरठ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि यह दूसरी बार हुआ है जब अखिलेश यादव ने मेरठ सीट से टिकट काटा है। अब अखिलेश यादव ने पूर्व महापौर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इस बीच यह भी माना जा रहा था कि टिकट काटे जाने के बाद अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अगर कोई खबर आती है तो उस खबर की सत्यता जांचनी चाहिए। अगर खबर की सत्यता ना होते हुए और हम उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं कुछ टीआरपी मिल सकती है, कुछ चीजें आगे बढ़ सकती है, व्यूज ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन इससे कई बार कई लोगों को हानि और क्षति और कई बार सम्मान का भी नुकसान होता है। अभी पिछले दिनों जहां हम सब लोग इस समय आम चुनाव में जा रहे हैं, देश का आम चुनाव होने जा रहा है और पहले चरण का चुनाव कुछ चंद दिन बाद है और हमारे मेरठ सहित आसपास के जिलों का द्वितीय चरण में सेकंड चरण में चुनाव है, तो हम लोग बहुत दिन से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। जब जब ऐसी कोई बात आई कि जहां पर अतुल प्रधान या उसके साथियों को जनता के लिए खड़ा होना पड़ा तो हम लोग हर उस विषय पे खड़े रहे हैं जिससे जनता के साथ जुड़ाव हो, और जुड़ाव जनता से तब होता है जब हम जनता के लिए कुछ करते हैं। जुड़ाव जनता तब मानती है। हमें 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं कम उम्र में था, उस समय पार्टी के विभिन्न संगठन के, समाजवादी पार्टी के विभिन्न संगठन के पदों पर मैं रहा हूं और लगातार छात्र राजनीति चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के माध्यम से की। इसी को लेकर अतुल प्रधान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अतुल प्रधान ने कहा कि अखिलेश से मेरी नजदीकियां हैं, चुनाव लड़ने का मौका किसी एक को ही मिलता है। मुझे सरधना से 3 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि एमपी के चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे जिसमें मेरठ के दिग्गज नेता शामिल थे। उन्होंने कहा कि पार्टी महासचिव ने पहले भानु को टिकट दिया, फिर मुझे दिया और अंतिम दिन सुनीता वर्मा को दिया। मुझे और सुनीता पक्ष को बुलाया गया। बातचीत के बाद सुनीता का नाम राष्ट्रीय महासचिव ने फाइनल किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह समाजवादी पार्टी कभी नहीं छोड़ सकते। अतुल प्रधान ने कहा कि जिस तरीके से कोई भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ेगा, उसी तरीके से मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ऐसे चुनावी माहौल में और आज जुम्मा अलविदा है उसके मौके पर आप सब लोग यहां पर पहुंच गए। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मेरठ और देशवासियों को अलविदा जुम्मा की जो आज है। इसके बाद हमारे महानगर अध्यक्ष जी यहां मौजूद हैं, आदिल भाई, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं विपिन जी चौधरी साहब, हमारे पार्षद दल के नेता यहां पर मौजूद हैं बासी जी, और हमारे तमाम पार्षद जी लोग यहां पर मौजूद हैं, और हमारे छात्र नेता से लेकर तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं। ऐसे भी कई साथी यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन के 3-3 दशक समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मैं खुद भी छात्र राजनीति से लेकर इस समाजवादी आंदोलन में जब जब ऐसी कोई बात रही कि जहां पर हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो हमने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, सब कुछ डिजिटल है, अगर कोई झूठी या सच्ची कोई खबर निकलती है तो जहां एक ग्रुप में पहुंचती है तो फॉरवर्ड होकर ना जाने कितने करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो अभी कुछ सुनने में आया कि डीप फेक वीडियो भी चली है जिसमें एक सिने स्टार सुपर स्टार की वीडियो को गलत तरीके से डीप फेक करके चलाया गया।
उसके बाद में फिर उनके जो करने वाले लोग थे, एक 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 सुन लो, देखो अखिलेश जी को माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी बात आदमी वहां पर कहता है, और जब आदमी अपनी बात कहता है तो ये जो कोई बताने वाला, जब मैं था वहां पर और माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो मेरे और उनके बीच में क्या बात चल रही है, ना तो उन्होंने बताया और ना मैंने बताया, ना मैं यहाँ प्रेस में उस बात को बताऊंगा, तो आपको कैसे उस बात की पता लगी कि मैंने उनसे क्या बोला, उन्होंने मुझसे क्या बोला? आपकी पार्टी छोड़ने की, इस्तीफा देने की सभी खबरें गलत हैं। जिस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ सकते, ऐसी में राजनीतिक सामाजिक जीवन को सुन लीजिए, पूरी बात, पूरी पूरी बात सुन लीजिए, ऐसी में सामाजिक राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़ सकता। जहां तक आपका विषय है, आप मेरे बराबर में माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे, इधर महानगर अध्यक्ष जी बैठे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि सब लोगों की सारी भ्रांतियां निकल जाएं और मैं और आप सुख चैन से ये वाला लोकसभा का चुनाव लड़ें और लड़ाएं। आप योगेश, ये बताइए कि आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं या नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो या नहीं, बताओ। हम तो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा रहते हैं, ये ऐसी, हम तो पत्रकार हैं, हम सबके उसमें रहते हैं ना, आप बताइए। एक 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 सीधा जवाब ना है ना, अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाने जाएंगे, अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं एक एक ले लो। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी, समाजवादी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहाँ पर चुनाव लड़ाइए, तो लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी, तो करेंगे। और पल्लवपुरम सुनिए, पल्लवपुरम हो या शास्त्री नगर हो या प्रहलाद नगर हो या नूर नगर लिसाड़ी हो या सराय हो या हो, नहीं घुमा के जवाब देना मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको चुनाव लड़ रहा है। एक लाइन में जवाब ये है, जो पार्टी का दिशा निर्देश हो सब मानेंगे हम। दिशा निर्देश ये माला है कि सरकार को, जो सरकारी पार्टी है उसको चुनाव हारनी चाहिए वो पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं पार्टी का निर्देश मानेंगे, कि आप अपनी भाभी को चुनाव लड़ाने जाएंगे या नहीं? मैं अपनी बहन से ये वादा कर रहा हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाएगी वहाँ वहाँ काम करेगा, और जहाँ भी समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए, जहाँ समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी देगी, यहाँ तो भी हमारी जिम्मेदारी मेरठ तो है ही, सरदना तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी देगी, हाँ उस जिम्मेदार। आपका सुनो, तुम बताओ, समीश भाई सवाल का जवाब दे दो, बहुत सरल सा सवाल है आपके। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।